दिल की गहराइयों से तुम्हारे पास और इंशाल्लाह मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमजा एक दर्दे दिल रखने वाला इंसान है। नवाज शरीफ साहब का मानने वाला है, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने वजीर आला पंजाब बनकर खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए, ये उसका बेटा है और इंशाल्लाह ताला पंजाब के आवाम को ये उनकी खिदमत करेगा दिल से जान से, मैं जानती हूँ। इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब करे, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। और उसके बाद मैं पंजाब के आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पंजाब का वो मैंडेट जो 2018 में इस वोट चोर इमरान खान ने क्लियर मैंडेट दिया पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शेर को, नवाज शरीफ को, लेकिन इसने वो मैंडेट पे शब खून मारा और मुस्लिम लीग नून की और पंजाब के अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं बनने दी। और उसके नतीजे में क्या हुआ मेरे भाइयों, उसके नतीजे में ये हुआ कि पंजाब के अवाम को बुजदार जैसा वजीर आला, जिसको सिर्फ नाम का वजीर आला मिला, जिसको चलाती फरह थी, जिसके ताने बाने तमाम बनी गाला से मिलते हैं, जिसके सबूत आने वाले दिनों में शवाहिद ऐसे सामने आएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब पंजाब के अवाम का 2018 में मैंडेट चुराया गया मुस्लिम लीग नून को वोट देने के बावजूद पंजाब के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, तो आज मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम जमातों की, उन तमाम ग्रुप्स की जिनमें अलीम खान ग्रुप, जिनके अंदर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और जितने भी दूसरी जमातों के अराकीन ने इस असद खोखर ग्रुप, और अगर किसी का नाम मैं ना ला सकूं, मैं सबके नाम लेकर ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबका तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अवाम की कॉल पे लबैक कहा और पंजाब के अवाम की आपने जान इस नालायक नाअहल जालिम और गासिब हुकूमत से छुड़ाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।